नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके बीच में ले आए हैं। आपको बताते चलें कि रेलवे GM मुंबई और DRM भुसावल को पत्र लिखा गया है। आपको बताते चलें कि भुसावल कटनी पैसेंजर और इटारसी भुसावल कटनी पैसेंजर को फिर से शुरू किए जाने की मांग की जा रही है। बताया गया कि रात की तरह दिन की दो पैसेंजर ट्रेन भी चालू की जाए। मध्य रेलवे भुसावल मंडल के तहत संचालित होने वाली यात्री पैसेंजर ट्रेन गाड़ी संख्या 51187 और 51188 भुसावल कटनी भुसावल पैसेंजर तथा 51157 51158 भुसावल इटारसी भुसावल पैसेंजर ट्रेन का संचालन जनहित में दोबारा शुरू किया जाए। मध्य रेलवे के भुसावल मंडल से वर्षों पुरानी यात्री पैसेंजर ट्रेन संचालित हो रही थी। इस सुविधा का बड़ी संख्या में गरीब मध्य वर्गीय जनता को लाभ मिल रहा था, लेकिन 20 महीने से ऊपर कोविड संक्रमण के चलते कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रोक दिया गया था। वर्तमान में बड़ी संख्या में कोविड का वैक्सीन हो चुका है। वर्तमान स्थिति में पहले से बहुत सुधार है। जनजीवन और विभिन्नता स्थितियां समान हो रही हैं। जनजीवन पहले की तरह शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए दूसरे शहर जाकर नौकरी मजदूरी व्यवसाय व्यापारी विद्यार्थी का आना जाना प्रारंभ हो गया है। यात्री पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा कर शाम को अपने घर आसानी से लौट आते हैं। वर्तमान में ट्रेनों का संचालन प्रारंभ नहीं होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों को भी बहुत कठिनाई हो रही है, इसलिए पूर्व में संचालित होने वाली पैसेंजर ट्रेन गाड़ी संख्या 51187 51188 भुसावल कटनी भुसावल व पैसेंजर ट्रेन, इनके अलावा 51157 51158 भुसावल इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर ट्रेन का संचालन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाना चाहिए। इससे गरीब व मध्य वर्ग व्यक्तियों को अप डाउन करने वाले और जैसे छोटे व्यापारी मजदूर विद्यार्थी आदियों को सुविधा होगी। वर्तमान में पैसेंजर ट्रेन के न होने से मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानियों के साथ साथ आर्थिक क्षति भी हो रही है। आपको बताते चलें कि यह ज्ञापन सौंप दिया गया है। जैसे ही हमको इस ट्रेन की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye-bye.